वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों को पर ने बनाए भारी निर्माण। वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में वास्तु पुरुष की कल्पना की गई है, जो अधोमुख होकर के अपने जो आवास स्थान है, फैक्ट्री है अथवा कोई भी चीज है, वहां पर लेटे हुए हैं, जो कि नाभि है, मध्य में है अर्थात ब्रह्म स्थान में। उनका मस्तिष्क जो है ईशान कोण में है अर्थात वहाँ उर्वर क्षेत्र है, और पैर हमारे उनके वास्तु पुरुष के साउथ वेस्ट दक्षिण यानी नृत्य में हैं। तो सबसे बड़े मर्म स्थान क्या होता है? नाभि और मस्तिष्क। इन दोनों को ही आप वास्तु के समय ध्यान रखें कि इन स्थानों पर कोई भारी सामान न हो। जैसे मनुष्य की नाभि में थोड़ा सा भी जोर बढ़ जाता है तो बीमार हो जाता है व्यक्ति, ऐसे ही मस्तिष्क में कोई आघात हो गया, चोट लग गई तो व्यक्ति मर भी सकता है, क्योंकि मस्तिष्क ज्ञान का भंडार है और ज्ञान का स्थान है ईशान दिशा, जहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर माना गया है। तो उस दिशा पर भारी सामान, स्टोर, शौचालय और कोई दीवार, उस कोने के आसपास कोई खंभा ना बनाएं। ऐसे ही ब्रह्म स्थान में जहाँ पर वास्तु पुरुष के नाभि है, उस क्षेत्र को भी खाली रखें, स्वच्छ रखें। आपने देखा होगा अक्सर मनुष्य की नाभि गिर जाती है, कहते हैं नाभि डिगना तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, गैस बन जाती है, अन्य बीमारी जाती है। जैसी नाभि डिगने पर हम परेशान हो जाते हैं, और जब आप ब्रह्म स्थान में कुछ बना देंगे, एक भारी सामान रख देंगे, तो समझो घर का सारा वास्तु डगमगा जाएगा। इसलिए बिना उपाय के ये उपाय है कि आप जब भी घर बनाएं, अपने वास्तु पुरुष के मध्य नाभि क्षेत्र यानी ब्रह्म स्थान में कुछ न बनाएं, न खंभा, न दीवार, न कुछ। उस पर मान लोबी बनी हुई है तो उस पर कोई फ्रिज या कोई ऐसी चीज़ ना रखें भारी सामान, यानी उसको खाली रखें। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की दीवार की ओर कोई भारी पिलर, खंबा, कोई भारी अलमारी, कोई भारी वस्तु स्टोर या ऊंचाई वाला कोई कार्य न करें। तो यह हमेशा ऐसा प्लॉट, ऐसा भवन आपके लिए सुविधा ही रहेगा। धन्यवाद।